नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके पास MPG 4 सेटअप बॉक्स है और आज आपके MPG 4 सेटअप बॉक्स में नो चैनल्स करके इंफॉर्मेशन दे रहा है, या यदि फिर आपके इसमें नो चैनल्स का ऑप्शन आ रहा है तो उसको आपको कैसे सही करना है, उसके बारे में आपके जानकारी दूंगा। तो वीडियो पे बने रहें और देखते जाएं कि कैसे आपको, यदि आपके MPG 4 सेटअप बॉक्स में नो चैनल्स करके बता रहा है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं और उसको कैसे आप बना सकते हैं, तो उसी के बारे में आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो पे बने रहें और देखते जाएं। यदि आपके पास कोई भी बॉक्स है, MPG 4 सेटअप बॉक्स है, तो उसमें आपको नो चैनल्स प्रोग्राम करके बता रहा है और सिर्फ आपके इसमें मेनू लिखा हुआ है या फिर आपको नो चैनल्स है, तो उसको आपको कैसे सही करना है उसके बारे में आपकी जानकारी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले यदि आपके MPG 4 सेटअप बॉक्स में नो चैनल्स करके बता रहा है तो सबसे पहले आपको मेनू का बटन प्रेस करना है, और मेनू का बटन प्रेस करने के बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पास आपको TV चैनल्स मिल रहा है, इंस्टॉलेशन मिल रहा है, टूल्स मिल रहा है, ऐप्स मिल रहा है, सिस्टम मिल रहा है, और मीडिया सेंटर वगैरह, नेटवर्क वगैरह आपको ऑप्शन ये मिल रहा है। तो इस तरह से आपको इसमें जब मांग रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको इंस्टॉलेशन में आ जाना है। इंस्टॉलेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर से देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी इसमें आएगी सेटेलाइट के नाम, तो आप देख सकते हैं सेटेलाइट के नाम आएगी तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको देखना है कि आपको जो सेटेलाइट है तो टोटल कितनी सेटेलाइट आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले टोटल सेटेलाइट है 100, या फिर मैंने एक सेटेलाइट बना के रखा है 101 सेटेलाइट, जो आपका DD लिखा हुआ है, या फिर आपको NH6 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपका जो सिग्नल होगा तो सिग्नल क्वालिटी आपको उसमें भी बताने लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें आप यदि ऑटो स्कैन करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो जो आपकी सेटेलाइट में सिग्नल आ रहा है उस सेटेलाइट को सेलेक्ट करके आपको उसको वहाँ पर से उसको ऑटो स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर से देख सकते हैं मेरे इसमें जो सेटेलाइट का है ECS5A4 करके, इसमें भी मेरा सिग्नल करीब करीब 60 के करीब बता रहा है। इसमें यूटल सेट में आपका नहीं बता रहा, हाइब्रिड में भी नहीं बता रहा है। तो इस तरह से आपको जिसमें आपको सिग्नल बताया तो उसमें कर सकते हैं, यदि आप नहीं बता रहा तो आप उसमें नया TP ऐड करके और ऑटो स्कैन करके नई सेटेलाइट को ऐड करके उसमें चैनल्स को ऑटो स्कैन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐड में जाना पड़ेगा। ऐड में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से सेटेलाइट जो होगी तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसका नाम डालना है, कितने एंगल्स में आपका वो चलता है, इसके बाद आपको येलो कलर बटन दबा के प्रेस कर देना है। तो आपकी जो सेटेलाइट होगी वो पूरी तरह सेव हो जाएगी, और सेव होने के बाद आपको कुछ इस तरह से लास्ट में शो करने लगेगा। शो करने के बाद आपको इसके मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें आपको सिंगल स्कैन का, मल्टी स्कैन का, और TP ऐड और एडिट और डिलीट सेलेक्ट करने के लिए इतना मांग रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंगल स्कैन में रेड वाली बटन को प्रेस कर देना है, और सिंगल स्कैन को रेड वाली बटन को प्रेस करने के बाद आपको यहां से ऑटो स्कैन इसको कर देना है। तो ऑटो स्कैन करने के बाद आपको यहां पर से देख सकते हैं सबसे पहले आपका आ रहा है FTA करके, CA+FTA और CS, फिर इसके बाद ऑल आता है। तो FTA में आप रखना चाहते हैं तो FTA भर आपको मिलेगा, ऑल में रखेंगे तो ऑल आपको सभी मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर से रेडियो चैनल्स और TV चैनल्स दोनों चाहिए तो दोनों रख सकते हैं, और आपको TV चैनल्स भी चाहिए तो TV चैनल्स भी आप रख सकते हैं। और इसके बाद आपको सर्च मोड में आप ब्लाइंड मोड रख सकते हैं, ऑटो स्कैन रख सकते हैं, दो ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसमें आपको जो हो तो उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर लेंगे, और यहाँ पर से आपको उसको ओके कर देना है। तो इस तरह से आप इसको अपने बॉक्स को कर सकते हैं, और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जो आपके चैनल्स हो गए पूरी तरह से यहाँ पर से आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से मेरा स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर से TP आना स्टार्ट हो गई है और 63 के करीब आ चुका है इसमें, ये देख सकते हैं। और ये जो TPs हैं तो सभी चैनल्स की TPs हैं। तो इस तरह से आपके इसमें यदि नो चैनल्स प्रोग्राम फाउंड करके बता रहा है तो उसको आप यहाँ से ऐसे सही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने MPG 4 सेटअप बॉक्स में नो चैनल्स प्रोग्राम करके बता रहा है तो उसको कैसे आप सही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने MPG 4 सेटअप बॉक्स में पूरी तरह से, यदि आपकी इसमें समस्या हो रही है, उसको सही कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो मेरे पास देख सकते हैं MPG 4 सेटअप बॉक्स का, ये कंपनी का है, आप देख सकते हैं 80+ करके है, और इस कंपनी में आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कंप्लीट होने के बाद आपका जो होगा तो पूरी तरह से आपका बॉक्स जो होगा तो उसमें चैनल्स आ जाएंगे आपको और चलने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं पर सिग्नल क्वालिटी भी जो आपका है, सिग्नल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा बता रहा है। तो इस तरह से आप अपने MPG 4 सेटअप बॉक्स में चैनल्स को ऑटो स्कैन करके अपने, यदि चैनल डिलीट है तो उसको पूरी तरह से आप सही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने MPG 4 सेटअप बॉक्स को सही कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।